नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है चैनल पे। और आप सभी को पता है कि मेरा चैनल है यूट्यूब पे, जिसमें मैं बनाता रहता हूं। और मैं चाहूंगा कि प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें शेयर मार्केट से रिलेटेड अपडेट देता हूं। प्लस ये मेरी एक सीरीज है जिसमें प्रोजेक्ट वन चल रहा है, और इसमें मैंने अभी तक जो स्टॉक खरीदे हैं 5 स्टॉक रिकमेंड करता हूँ, नॉट एवरी डे, बट मैं जब भी बाई करता हूँ तो मैं वो सेम आपको दिखाता हूँ कि मैंने कौन से बाई किए हैं और उसमें से उनका क्या प्रोग्रेस है, एवरीथिंग ऑन एज पर द चार्ट जो आपको दिख रहा है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले यही बोलेंगे कि आपका पैसा है, आप अपनी खुद की रिसर्च कीजिए। सीखने में कुछ नहीं आता, इतना मुश्किल भी नहीं है, आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं। आज के टाइम पे बहुत चीज़ें अवेलेबल है, और मैं जिस अकाउंट से ट्रेडिंग करता हूँ वो जीरोधा है। अगर आप जीरोधा में काफ़ी स्टडी मटेरियल भी काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं, आप चाहें तो उनके थ्रू भी आप काफ़ी एजुकेशन ले सकते हैं। जीरोधा में आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं विद द रेफरेंस लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो स्टडी कीजिए, सीखिए और खुद भी इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्टमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए, आप सिंगल सोर्स ऑफ अर्निंग पे टिके नहीं रह सकते हैं। तो ये जो अभी आपको ग्रीन दिख रहे हैं, ये सब वो हैं जो 10% अर्निंग कर चुके हैं, जैसा कि हमारा टारगेट है कि 54 डेज के अंदर हमें जो भी हमने इन्वेस्टमेंट की है उसको अर्न करना है। तो आप इसमें अगर मैक्सिमम देखेंगे तो 23 डेज ही लिया है इसने मैक्सिमम, वरना सबने अपना पैसा 2 दिन में 5 दिन में 17 दिन में 20 दिन में निकाल लिया है। तो 300 डेज में हमें पैसा अर्निंग करना है। 52 डेज में लास्ट टाइम हमने 10% अचीव कर लिया था मैक्सिमम। तो आप ये देख सकते हैं कि ये सब पूरे अचीव कर चुके हैं 10%। इसमें से आरबीएल बैंक मैंने लास्ट वीक लिया था, लेकिन आज मैंने इसको बाय किया है वापस। ये अभी तक जीटीटी में ही है और ये 10% के ऊपर ही है और अभी बिका नहीं है, बट उसके बावजूद मैंने 5 स्टॉक आरबीएल के बाई कर लिए, क्योंकि पिछले 3 दिन से ये घटते जा रहा है। तो डेफिनेटली ये कुछ ना कुछ मुझे और एक्स्ट्रा 2-3% का प्रॉफिट दे के चला जाएगा। अगर आपको ये शुरू का पता होगा कि एवरेज जो गोल अचीव था जब हमने शुरू किया था ये 5 पॉइंट्स, मतलब 5 शेयर 300 डेज की सीरीज, तो सेकेंड डे ही ये -7.9 था, क्योंकि मेरे पास पुराने स्टॉक थे जिनको मैंने उसमें एवरेज आउट किया था और उसके कारण ये -7.9 था। तो अभी ये अच्छी खुशखबरी है कि ये अब हमारा जो पूरा स्टॉक का पोर्टफोलियो है वो करीबन बढ़ चुका है। अगर मैं पूरे स्टॉक की पोर्टफोलियो को दिखाऊं तो आप देख सकते हो कि पूरे स्टॉक हैं, और हम इसमें देखेंगे कि सबसे ज़्यादा निगेटिव स्टॉक कौन सा है और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कौन है। तो ये पूरी शीट है, आप चाहो तो कॉपी कर सकते हो, सेम वे में आप भी बाई कर सकते हो, खरीद सकते हो, बेच सकते हो और इससे मॉनिटर कर सकते हो। तो अब हम देखेंगे सबसे ज़्यादा निगेटिव कौन सा है। सबसे ज़्यादा निगेटिव है 29% एंड 13%, तो 2 टॉप 2 स्टॉक्स ले लेते हैं। ओके, तो इसमें एक हिंडालको है और एक जीएमएम है। तो आप जीएमएम का तो जैसे मैंने पहले बताया कि वो स्प्लिट हुआ था, बट ठीक है, मैं उसको अभी भी बाई करते जा रहा हूँ, गुड अपॉर्चुनिटी स्टॉक है, आप चाहो तो आप ले सकते हो, और हिंडालको भी आप ले सकते हो, अच्छी है, लेकिन अभी काफ़ी थोड़ा रिस्की चल रहा है। काफ़ी दिनों से वहीं पर स्टेबल है, निगेटिव रह रहा, कुछ ऊपर उठ नहीं रहा है, तो काफ़ी दिनों से ये थोड़ा अनस्टेबल स्टॉक है। तो इसको तो मैं आज नहीं बोलूंगा कि आप इसको भी लेने की कोशिश भी करो। अपार्ट फ्रॉम, हम देखते हैं कि कौन से स्टॉक हैं जो अब 10% करीब क्लोजर पे आ चुके हैं, तो जल्द ही ये भी इस कैटेगरी में आ जाएंगे और इनको कितने दिन हो चुके हैं। तो अगर हम देखेंगे तो अपोलो हॉस्पिटल एंड एक्सिस बैंक दोनों 8.13 एंड 8.73 पे आ गए। अपोलो हॉस्पिटल लास्ट डे यस्टरडे फ्राइडे को ये डाउन हुआ था, नेगेटिव हुआ था, जिसके कारण नहीं तो चांसेस ये थे कि शायद आज ये अचीव कर लेता। आज वापस ये पॉजिटिव है और अच्छी खासी ग्रोथ दिख रही है कि ये जल्द ही कर लेगा। तो अपोलो हॉस्पिटल को 26 डेज हो चुके हैं और एक्सिस बैंक को 11 डेज। तो अभी हम चलते हैं कि आज के हमारे टॉप 5 स्टॉक कौन से हैं जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा। तो चलते हैं फिर, इसमें पहला है अदानी इंटरप्राइज, ठीक है। अदानी इंटरप्राइज को आज मैंने बाई किए हैं, 4 स्टॉक हैं, 2500 का स्टॉक है, आप ले सकते हो, आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हो। अदानी ने काफ़ी अच्छा दिया, जबकि ये पहले नहीं था, ये पहली बार आया रिकमेंडेशन में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL मैंने पहले भी बाई किया था और आज फिर मैंने इसको 4 क्वांटिटी बाई करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। RBL बैंक मैंने जैसा आपको पहले ही बता दिया था कि मैंने उसको ऑलरेडी GTT में लगा चुका हूँ पुराने स्टॉक को, और ऑलरेडी वो 10% अचीव कर चुका है। तो वापस मैंने RBL बैंक को वापस लिया है, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से ये काफ़ी निगेटिव, धीरे धीरे निगेटिव ही जा रहा है। तो ये गुड अपॉर्चुनिटी है कि मैं उसको मॉनिटर कर सकूँ और जब वो वापस आए तो फिर हम लोग उसको बाई कर सकें। चौथा है रिलायंस इंडस्ट्रीज, अच्छा खासा डिविडेंड भी अभी आने वाला है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज को फिर से मैंने बात किया, नॉर्मली आप देखोगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज आज नहीं तो कल हमेशा मैं बाई कर लेता हूँ कुछ ना कुछ, जब डिपेंड्स करता है कि कितना निगेटिव है। आज ये 3% निगेटिव है, दैट इज वन ऑफ द
मेन रीजन कि मेरे को 3% प्रीमियम प्राइस पे ये मिल रहा है, तो मैंने इसको ऐड कर लिया 4 क्वांटिटी और ये ले लिया है। पांचवा मेरा है अबॉट इंडिया। अबॉट इंडिया फर्स्ट टाइम ले रहा हूँ, एक बड़ा स्टॉक है। इसको मैं बोलूंगा कि आप मत, अगर आपके पास है पैसा तो आप इन्वेस्ट कर दीजिए, वरना आप जब बेटर है कि आप इसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि बड़ा स्टॉक है और कभी कभी हमारे पूरे पोर्टफोलियो को थोड़ा सा गड़बड़ कर देता है। बट अबॉट इंडिया मैंने देखा है कि तुरंत ही थोड़ा सा नीचे गिरता है, फिर ऊपर उठ के 2-3 हजार 5 हजार का प्रॉफिट दे के आपको निकल जाता है। 10% आने में अब देखेंगे कि हम पहली बार मैं जाऊंगा 10% पे, नॉर्मली इसको मैं 3-4 हजार रुपए कमाए, एक स्टॉक लिया 20 हजार का, 2 हजार रुपए कमाए मैं निकल जाता हूँ। लेकिन होता नहीं है, 1-2 हजार 1.5 हजार कमाए निकल जाता हूँ, लेकिन आज अब मैं देखूंगा कि 10% अचीव करने में ये कितने दिन लेता है। तो ये पूरे स्टॉक के लिस्ट थी 5 स्टॉक। इन 5 स्टॉक में से आप कोई भी स्टॉक ले सकते हैं और आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आज का हम देखेंगे तो हमारा ये है आज की पोजीशन। अगर मैंने निफ्टी के ये लिए, इनको आप छोड़ दीजिए, बट आरबीएल का मैंने अबॉट इंडिया 1, अदानी इंटरप्राइज 4, बेल 4, रिलायंस 4, आरबीएल बैंक 5। अपार्ट फ्रॉम दैट जीटीटी आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जीटीटी मैं लेता हूँ, और आप इसमें जीटीटी में मैं आपको जरूर दिखाता हूँ कि कौन से स्टॉक मैंने ऑलरेडी लगाए हुए हैं सेलिंग पे। तो अदानी इंटरप्राइज पहले से लगा हुआ है, जबकि आज मैंने बाई किया है 1 क्वांटिटी, बट ये पहले से लगा हुआ है। तो अगर ओवरऑल जब एवरेज मिलकर 10% से ऊपर आएगा तो मैं लगा दूंगा उसको, ठीक है। कि लेकिन चक्कर ये कि पहले 1 नंबर था, आज के टाइम पे ये 4 नंबर मैंने आज बाई किया है। तो 4 नंबर अगर बाई किया है तो डेफिनेटली ये 10% के ऊपर नहीं होगा, बट देखेंगे कितने तक जाता है। KECL है ऑलरेडी, आज 11-6-7% बढ़ा था तो मैंने वापस इसको लगा दिया। मैरिको लगाया है मैंने लास्ट फ्राइडे को। एशियन पेंट काफी दिनों से 10% के ऊपर ही चल रहा है, ना ज्यादा वो ऊपर जा रहा है ना नीचे गिर रहा है, तो बट एवरेज आउट ठीक है, 12-13% का प्रॉफिट दे चुका है ये मुझे। बैंक ऑफ बड़ौदा भी पहले से लगा चुका, बजाज ऑटो लगाया हुआ 2.68 पे, टाटा कमेंट्री एंड अपोलो हॉस्पिटल, ये मेरे हो स्टॉक हैं। और मैं आपको टॉप के स्टॉक दिखा देता हूँ। KECL है, अपोलो टायर, अदानी इंटरप्राइज, माइंडट्री। माइंडट्री आपको पता है कि मैंने पहले ही जीटीटी पे लगा के 10% पे लगा दिया है, और यहाँ पे अभी देखिए आप 13% हो चुका है। AGCM ये आ गया है नया, बैंक ऑफ बड़ौदा 12.95%, एशियन पेंट करीबन 13% के पे, मैरिको है जो 10% पाया है, इसको मैंने लास्ट फ्राइडे को ऐड किया है। कैपल पॉइंट आज बिक गया है, बाकी सब 10% के नीचे हैं, तो बाकी सब देखेंगे हम आगे। फिर प्रॉफिट एंड लॉस में मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरा प्रॉफिट एंड लॉस इस महीने का जुलाई मंथ का क्या कितना बना है। 1.27,000 ही बना है, ज़्यादा नहीं बना है, 1,200 मैंने 1200 के करीब है, 1200 के करीब है, 1270, तो 1.27K के करीब बना है, ज़्यादा नहीं है। और ये है फिलहाल जो चल रहा है, और अभी हम देख लेते हैं कि हम किसको आज हम करेंगे। अबाउट इंडिया को हम देखते हैं, चलो आज अबाउट इंडिया को देख लेते हैं। जैसा मैंने बोला था कि आपको अबाउट इंडिया को दिखा दूंगा, फंडामेंटल हम अबाउट इंडिया का चेक करेंगे। CAGR है 8.68%, 1 मंथ का रिटर्न है 11%, 1 ईयर का रिटर्न है 13%। देखिए अगर एक साल में 10-13% मिल रहा है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टॉक में, राइट। तो अभी हम चलते हैं इधर, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि बाकी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। आज देखेंगे तो 0.70 लॉस हुआ है, इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से नहीं है, बट FD से बेटर रिटर्न देता है, डिविडेंड अच्छा देता है, एंट्री पॉइंट अच्छा है, ग्रीन है, सभी कुछ ग्रीन है। 1 मंथ 1 वीक का आप रिटर्न देखेंगे इसका तो 1% है, 1 मंथ का रिटर्न आपने खुद देखा कि 10% है, 1 ईयर का रिटर्न इसका 11% है, 5 ईयर्स का रिटर्न हम अगर इसका देखें तो 357 है, यानी 5 साल में ये आपके पैसे को 3 गुना कर चुका। अगर मैक्सिमम रिटर्न देखें तो जनवरी 2007 से लेके आज तक की, बाप रे आप खुद देख लो क्या है, 2699 का था ये स्टॉक नवंबर 8 तक, उसके बाद जो बढ़ा है ये बढ़ता ही गया है, घटा ही नहीं है। और SIP का कैलकुलेशन देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम SIP अगर इसमें इस स्टॉक में लगाते हैं तो कितना होता है। अगर आप अगस्त 17 में SIP शुरू करते हो 100 रुपीज की मंथली, तो आज आप देखो कि अगर 6,000 लगाया होता तो आपका ये पैसा डबल हो चुका होता है, कितने सालों में, 1, 2, 3, 4, 5 सालों में आपका पैसा डबल हो चुका होता है। फाइनेंशियल देखने की जरूरत नहीं है, आप इसको अपने हिसाब से सर्च कर लीजिएगा प्लीज। आप अदानी का देखेंगे तो अबॉट इंडिया है, सन फार्मास्यूटिकल है, सिप्ला है, डॉक्टर रेड्डी है, और सबसे ज्यादा इसमें से डिविडेंट अबॉट इंडिया ही देता है और सन फार्मा है। देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप वो शेयर जरूर लीजिए जिसमें डिविडेंड मिल रहा है, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा इनकम आती रहती है जो आपके बैंक अकाउंट में डेली रिफ्लेक्ट करती है, और वो अलग ही
अच्छी चीज रहती है। अभी पिछले वीक ही मेरे करीबन मेरा 500 रुपए किसी का आया, मुझे याद नहीं आ रहा है, और फार्मा ने दिया था डिविडेंड, और फार्मा का करीबन 250 रुपए का आया, जबकि आपने देखा कि और फार्मा के ज्यादा स्टॉक मेरे पास नहीं है, बट उसके बावजूद मुझे 250 का अगर डिविडेंड आ जाता है तो बहुत होता है ना, 250 पर डे आ गया। उस हिसाब से केवल और फार्मा ने मुझे 256 समथिंग का मुझे डिविडेंड दिया है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप डिविडेंड वाले स्टॉक लेना शुरू कीजिए। अब होल्डिंग्स हम देखते हैं कि होल्डिंग्स में क्या हालत है इनका। म्यूचुअल फंड में बढ़ा है, म्यूचुअल फंड का होल्डिंग्स बढ़ा है, और बाकी अगर इनका प्रोमोटर्स होल्डिंग देखेंगे तो सेम ही है, ज्यादा सेम ही है एक्चुअली, कुछ नहीं है इसमें। अदर डोमेस्टिक में इनका घटा है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन जरा सा है, इनका मार्च में काफी अच्छा था लेकिन उसके बाद से ये काफी, और आपको भी पता है कि अभी यूएस मार्केट का क्या है, परसों या वेंसडे या ट्यूसडे को उनकी रिपोर्ट आने वाली है, जिसके बाद उनको पता चलेगा कितने परसेंट पे उनको लोन के परसेंटेज कितना रहेगा, इंटरेस्ट कितना मिलेगा उस पे। और रिटेल इन्वेस्टर को आप देखेंगे तो रिटेल इन्वेस्टर अभी घटे हैं फिलहाल, अभी ये सब निगेटिव पॉइंट है इनका। बट मेरे पास और भी कुछ चीजें थी जिसके कारण मैंने लिया है, मैंने आपको पहले भी बोला था कि अबाउट इंडिया मैंने पहले भी लिया था, कुछ प्रॉफिट हुआ तो बुक किया। एक सबसे बड़ा रीजन ये था कि मैंने जिस प्रॉफिट पे बुक किया था उससे वो आज के टाइम पे करीबन 6-7% डाउन पे है, तो 6-7% डाउन है तो मेरे लिए वो अच्छी अपॉर्चुनिटी की मैं बाई कर लूँ और उसको 10% तक लेके जाऊँ। सो यही था बस आपसे, ये बस एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपको कुछ और जानना है पहचानना है तो प्लीज मुझे बताइएगा। और हम इसका अबाउट इंडिया का फोरकास्ट देख लेते हैं। फोरकास्ट देखिए, 9 लोगों ने इसको 78% पॉजिटिव बोला है, यानी 9 लोगों ने इसको बाई करने को बोला, और मैंने 9+1 आप मुझे कंसिडर कर सकते हैं, तो 10 लोगों ने इसको बाई करने को बोला है, तो 78% अप्रोक्सीमेटली पॉजिटिव रेट है, आप इसको बाई कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, और अगर आपको कुछ जानना पूछना है तो आप आगे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़िए, आप भी बढ़िए, हम भी बढ़ते हैं, साथ में इन्वेस्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप सबका दिन शुभ हो, कीप इन्वेस्टिंग।